जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में हर बात है, पूरे प्रदेश का जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उनके संज्ञान में है। ये समाजवादी साथियों में इस मौके पर ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया है वो एक साल से पहले विश्वास नहीं आ सकता, लेकिन जिस दिन एक साल की मियाद पूरी हो जाएगी उसी दिन अविश्वास करना है। ये बीजेपी के लोग जिन्होंने बेईमानी से आपसे गरीब पद छीना है, आपका इस सम्मान छीना है, तो इनको भी चैन से हम लोग इस पद को नहीं चलाने देंगे। जहाँ तक आज जिला पंचायत का चुनाव खत्म हुआ है और महीने 15 दिन यूपी का चुनाव भी खत्म हो जाएगा, लेकिन आज के चुनाव से संकल्प हमें आपको ये लेना है कि हर हाल में 2022 में माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना के पार्टी की सरकार बनाए। कार्यकर्ता साथियों, निराश होने की जरूरत नहीं है और जितनी तारीफ करूं उतनी तारीफ कम होगी हमारे मेंबर साथियों की, क्योंकि इन्होंने जो भरोसा कायम किया है वो मामूली भरोसा नहीं। उनको तो अपने 28 में से 26-25 पे भरोसा नहीं था और हमें तो अपने 23 में से 300 पे भरोसा था। आपसे ये अंतर है उनके चुनाव में और हमारे चुनाव में। तो आप सोचो साथियों, कार्यकर्ता साथियों, चुनाव वो जीतेंगे हम जीतेंगे। टेक्निकली वो चले भली पथ मिल जाए, लेकिन लोगों का दिल समाजवादियों ने जीत के दिखाया, लोगों का दिल हमारे उम्मीदवार ने जीत के दिखाया। और मुझे कहने में संकोच नहीं, चुनाव आयोग से भी मैं निराश हूँ, क्योंकि हमने बहुत शिकायतें भेजी, ऑब्जर्वर साहब से कई बार मिले, लेकिन चुनाव आयोग ने भी हमारी एक भी शिकायत का संज्ञान नहीं लिया जो कि उनको लेना चाहिए। जिलाधिकारी से हमें उम्मीद थी कि डायरेक्ट ऑफिसर है, शायद न्याय करेंगे, मुझे नहीं मालूम किसके दबाव में थी, लेकिन हस्ताक्षर उनकी कलम की है। अन्याय उन्होंने भी हमारे साथ किया, अन्याय और भी साथियों ने किया जो अधिकारी है। इसलिए हम इस मौके पर कहना चाहते हैं, हम लोग भी भूलने वाले नहीं, नाम नोट करके रखो, जिन्होंने अन्याय किए हैं इनकी कलमें गलत चली हैं। अगर इसी चुनाव के आप उठा लो हेल्पर को, तो शायद 13 में से 1-2 छोड़ दो, वहां जाकर मेरी जानकारी है एक भी नहीं था, फिजिकली एक भी असक्त नहीं था, किसी को आंखों में देखने में दिक्कत नहीं थी और कोई भी निरक्षर नहीं था। तो जितनी आयोग की शर्तें हैं सभी शर्तें अगर हम देखेंगे, 48 घंटे पहले दरखास्त होती है विद मेडिकल रिपोर्ट, जो कि मेडिकल रिपोर्ट ने कल रात में 12 बजे के बाद जब डॉक्टर ने तो हुई है। तो जितना हो सकता था हमारे आपके साथ अन्याय हो रहा था। ये बातें साथियों आज आपके बीच इसलिए कर रहा हूँ कि कम से कम आप सबके माध्यम से जनता के बीच जाए कि हम लोगों के साथ कहाँ कहाँ कैसे कैसे अन्याय और अत्याचार सरकार ने किया है।